गोरी निखरी खूबसूरत त्वचा की चाह तो हम सबकी होती है, तो अगर ये चाह आपकी भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आज का वीडियो एकदम मिस ना करें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो दिनों दिन आपकी रंगत को निखारने वाला है, आपकी रंगत में चार चांद लगाने वाला है, आपकी स्किन को इतना ज्यादा ग्लोइंग ब्राइट और खूबसूरत बनाने वाला है कि आपको आपकी खुद की नज़र लग जाने वाली है। अगर आपकी भी चाह है कि आपकी स्किन टोन खूबसूरत हो जाए, यानी कि अगर आपकी रंगत 7 है तो 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो ये एक ऐसा पैक है जो आपकी रंगत को निखारने वाला है। अगर आपकी रंगत किसी भी कारण बस कम हो गई है, धूप की वजह से कम हो गई है, या फिर गैस चूल्हा के पास बहुत रहते हो तो उसकी वजह से कम हो गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ धूप में जाने की वजह से उनकी रंगत कम होती है, लेकिन ये एकदम गलत है। धूप की वजह से तो रंगत कम होती ही है, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जब हम लोग कुकिंग करते हैं और वो जो धुआं आता है ना, फुल्का बनाते हो या फिर सब्जी बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो जो उसका धुआं आता है वो अगर हमारी स्किन के ऊपर जाता है तो उससे भी हमारी रंगत खराब होती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, यहाँ की रंगत कुछ और, यहाँ की रंगत कुछ और, यहाँ की रंगत कुछ और हो जाती है। और अगर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे यही जो है आपको पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। तो आज जो फेस पैक लेकर के आई हूँ वो सुपर से भी ऊपर होने वाला है, आपकी स्किन से रिलेटेड आपकी सभी परेशानी को दूर करने वाला है। साथ ही साथ जब आप इसको लगाते हो और जब आप अपने फेस को वॉश करते हो तो लगेगा कि आपके सालों के बाद अपना चेहरा धोए हो, इतनी ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट आपकी स्किन दिखने वाली है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करती हूँ, पैक को बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। मेरा और भी यूट्यूब चैनल है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। इस चैनल पे मेरा अभी अप्रैल में आपको इस चैनल पे अप्रैल में जो है गिव अवे शुरू होने वाला है, तो आज से ही एक्टिव मोड में आ जाए और हो सकता है दो गिव अवे विनर में एक आपका भी नाम हो जाए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है सैंडलवुड पाउडर। और सैंडलवुड पाउडर क्या करता है, यानी कि चंदन पाउडर क्या करता है, आपकी रंगत को निखारता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, दोगुनी रंगत की अगर आपकी चाह है तो चंदन पाउडर उसमें आपको वाकई बहुत इफेक्टिव होता है, बेहतरीन काम करता है। बहुत सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि छवि प्लीज आप रिकमेंड कीजिए मुझे बेस्ट सैंडलवुड पाउडर। तो देखिए लास्ट पिछले 2 ईयर से मैं हर्ब टॉनिक के सैंडलवुड पाउडर यूज करती हूँ। आप चाहे आपका कोई भी फेवरेट सैंडलवुड पाउडर हो, ब्रांड हो, तो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हर्ब टॉनिक का यूज करती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सैंडलवुड पाउडर आपको लेना है 1 स्पून। अब जो इसके अंदर आपको सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड करना है वो है टोमेटो जूस, यानी कि एक टमाटर लेना है और आपको उसको अच्छे से धो लेना है। ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लो या फिर आप ग्रेटर में ग्रेट कर दो, कैसे भी आपको उसको एकदम बारीक ग्रेट करना है ताकि आप उसका जूस पल्प के साथ ले सको। ये नहीं कि आपको सिर्फ जूस लेना है, इस पैक में आपको पल्प का भी इस्तेमाल करता है। आपको लेना है 3 स्पून, यानी कि 1 चम्मच चंदन पाउडर और 3 चम्मच आपको टोमेटो पल्प के साथ जो है वो ले लेना है। टोमेटो क्या करता है, बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग माना गया, बेस्ट स्किन ब्राइटनिंग माना गया, साथ ही साथ अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है तो ओपन पोर्स की परेशानी को ये मिनिमाइज करता है, यानी कि अगर आप इस पैक को कंटिन्यू करते हो और अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है तो ओपन पोर्स की परेशानी भी बहुत हद तक जो है वो कम होने वाली है। अब जो इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है साबूदाना पाउडर। अब साबूदाना पाउडर क्या करता है, आप सबको पता है कि साबूदाना के मैं बहुत सारे फेस पैक ऑलरेडी पहले से भी बना चुकी हूँ और मेरा मतलब अगर फेवरेट इंग्रेडिएंट में अगर बोला जाए तो साबूदाना पाउडर भी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट में आता है। मैं इसको बहुत यूज करती हूँ, बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग माना गया, बेस्ट स्किन ब्राइटनिंग माना गया, बेस्ट स्किन टाइटनिंग माना गया। अगर आपको ब्लैक हेड्स की परेशानी है, व्हाइट हेड्स की परेशानी है, तो उन सब में जो है ये साबूदाना पाउडर वो बहुत बहुत यूजफुल होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। तो साबूदाना को क्या करना है, अच्छे से ग्राइंडर में आपको ग्राइंड कर लेना है एकदम बारीक और उसके बाद आपको इसके अंदर 1 स्पून आपको साबूदाना पाउडर भी ऐड कर देना है। क्या करना है, इन सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करके 15 to 30 मिनट्स यानी कि 15 से 30 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ देना है,
या तो फ्रिज में या फिर रूम टेम्परेचर में कहीं भी आप इसको आप छोड़ सकते हो। जब 30 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, इसका कवर आपको हटाना है और उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है आपको 1 स्पून रोज वाटर। अब 1 स्पून रोज वाटर मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिलाना है और आपका फेस पैक रेडी हो चुका है जिसको आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। फेस अप्लाई कैसे करना है, जब भी आप फ्री हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी इस फेस पैक को आप लगाओ तो अगर मॉर्निंग टाइम में लगाते हो या फिर नाइट टाइम में लगाते हो तो बेस्ट होता है, यानी वैसे आपकी मर्जी है, जब भी आप फ्री हो उस टाइम में आप इस पैक को लगा सकते हो। लेकिन जब भी सार लेने जाते हो उस टाइम में आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हो तो उसके पहले आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन करना है तो या तो DIY फेस वॉश से या फिर मार्केट वाले फेस वॉश से आप अपने फेस को पहले वॉश कर लें। उस फेस वॉश करने के बाद क्या करना है, आपको इस फेस पैक को लेना है और अपने पूरे फेस के ऊपर और अपने नेक के ऊपर इसको आपको लगा लेना है। आप चाहे तो इसे अपने हैंड पे, लेग पे भी, फुल बॉडी में भी लगा सकते हो। क्या करना है, 20 मिनट्स तक आपको अपने फेस के ऊपर रखना है, यानी कि 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फेस के ऊपर इसे रखना है। जब ये सूख जाता है या फिर अगर आपको लगता है, जरूरी नहीं है कि एकदम से सूख जाए तभी आपको वॉश करना है, 15-20 मिनट्स हो गए तो आप आराम से फेस को वॉश कर सकते हो। तो नॉर्मल टैप वाटर्स पे अपने पाम को थोड़ा सा गीला करना है, फिंगर्स को गीला करना है, हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हल्का सा 30 सेकेंड तक, यहाँ पे ब्लैक हेड्स है या फिर यहाँ पे ब्लैक हेड्स है तो हल्का मसाज करते हुए अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से आपको वॉश कर लेना है। ठीक है, वॉश जब कर लेते हो उसके बाद जो भी आपका फेवरेट क्रीम है या फिर जो भी है उसको अगर आप यूज करते हो तो फिर आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग और ब्राइट रहने वाली है। एक टिप मैं आपको दूंगी कि ये फेस पैक आप अप्लाई करते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो और ब्राइट हो और खूबसूरत हो जाए तो अगर डेली अगर आप, जैसे अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो जाने वाला है तो एक ग्लास अगर आप ऑरेंज जूस पीते हो डेली तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट और खूबसूरत होगी और आप बेस्ट एंटी एजिंग जो आपके टमी में जाएगा ना, वो जो ऑरेंज जूस है तो उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग होगी और आप हमेशा खूबसूरत दिखोगे। वाटर इंटेक लें, अच्छी डाइट लें और अच्छी नींद लें। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस पैक को बना करके कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इस पैक को बना के आराम से 3 डेज तक स्टोर कर सकते हैं या फिर आप पाउडर फॉर्म में इसको बना के रख सकते हो। जब भी आपकी इच्छा हो उस टाइम में आप थोड़ा सा टोमेटो को ग्राइंड करें, उसके अंदर डाल दें इस पाउडर को, हाफ एन आवर छोड़ दें और बाकी सारे इंग्रेडिएंट जैसे मैं बोली हूँ रोज वाटर सब मिक्स करें। तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसको आप बना करके रख सकते हो अगर आपको ये पैक सूट कर गया है तो। इस पैक को लगाने का कोई एज नहीं है, अगर आपके आज के डेट में अगर आपकी उम्र 15 साल की हो गई है तो आराम से इस पैक को लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ तक वीक में कितने दिन लगाने की बात है तो थंबनेल में ही लिख चुकी हूँ कि वीक में अगर 3 डेज लगाते हो तो सफिशियंट है। आई होप कि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बताना रह गया हो तो शायद आज मैं आपके वीडियो के कमेंट, जो आपका जो कमेंट है उसके मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि आज मैं फुल डे हॉस्पिटल में रहने वाली हूँ। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय। जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें।